नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। क्यों? क्योंकि 2027 का परसेप्शन बनाना है। बीजेपी को जो उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों में से हार हुई है, उसका सदमा लगा है और बीजेपी समाजवादी पार्टी को सबक सिखाना चाहती है। और समाजवादी पार्टी यह दर्शाना चाहती है कि यह जो सदमा लगा है, उस सदमे को और गहरी चोट देना चाहती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बहुत मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा। जनता जिसको ज्यादा वोट देगी वो विधायक बनेगा, उसकी पार्टी ज्यादा सीटों पर जीतेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग विधानसभा प्रभारी बना दिए गए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको मैं यहां पर बताना चाहता हूं। देखिए, मीरापुर सीट जो है दीपक सैनी कौन है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़े थे, लोकसभा का चुनाव लड़े थे बिजनौर से, और बहुत बड़े अंतर से चुनाव नहीं हारे हैं। और खास करके मीरापुर में बीजेपी यानी कि आरएलडी से ज्यादा वोट मिला है इनको प्रभारी बनाया गया है। अब आप सोचिएगा, बिजनौर से लड़े थे चुनाव, 37-38 हजार वोटों से हारे थे, ज्यादा अंतर नहीं माना जाता 37-38 हजार। जो सीट समाजवादी पार्टी पिछली बार लाखों वोट से हार गई थी, 1.5 लाख वोट से हार गई थी, वो 2024 में जीत गई। तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की संभावनाएं यहां पर हैं बिजनौर में। सादिक चौहान विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनको भी बना दिया गया है प्रभारी, यानी कि मीरापुर सीट को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। कुंदर की विधानसभा सीट है, कमाल अख्तर जो प्रभारी है, समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, इनको बना दिया गया है प्रभारी। अब आप समझिए, कमाल अख्तर अपने आप में बड़े मजबूत नेता हैं, विधायक भी हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, तो इनको प्रभारी बनाया गया है। भूरा मलिक को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया है इस सीट को जिताने के लिए। वैसे आप सबको पता है कुंदर की सीट समाजवादी पार्टी को जीतना तय है, बीजेपी रोक नहीं पाएगी, हमारे हिसाब में नहीं रोक पाएगी, बाकी चाहे जो कर ले भाई सरकार है। मीरापुर की सीट भी मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी की अच्छी पकड़ है, कादर राणा को टिकट मिला है, कादर राणा की बहू को टिकट मिला है। 1,30,000-1,40,000 मुस्लिम आबादी है, यहां पर भी समाजवादी पार्टी की जीत लगभग मानी जा रही है, लेकिन यहां कुछ भी हो सकता है। अगला नंबर आता है दोस्तों खैर की सीट है, संजय लाठर समाजवादी पार्टी के प्रभारी बनाए गए हैं और जाट हैं। इनके नाम की चर्चा चल रही थी महाराष्ट्र, वहां पर चुनाव लड़ने की, हरियाणा में भी चुनाव लड़ने की, तो ये भी मजबूत नेता है। गिरिराज शर्मा विधानसभा अध्यक्ष है, इनको जिम्मेदारी दी गई है। अगला गाजियाबाद, राकेश यादव पूर्व MLC है, इनको प्रभारी बनाया गया है। अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, इनको भी प्रभारी बनाया गया है। और वीरेंद्र यादव है समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष। गाजियाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी की स्थिति कमजोर मानी जाती है, लेकिन अब की बार सबसे ज्यादा दलित मतदाता है, मतलब सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी देकर समाजवादी पार्टी ने यहां पर बड़ी मजबूत स्थिति बना दी है, बड़ी कांटे की लड़ाई होने वाली है यहां पर। करहल में जो समाजवादी पार्टी की सीट है, अताउर रहमान को प्रभारी बनाया गया है, रामबरन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है इस सीट को जिताने के लिए। सीसामऊ जो समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है, यहां पर बीजेपी 25 साल हो गया चुनाव नहीं जीत पाई है, तो यहां पर सुनील यादव साजन समाजवादी पार्टी के प्रभारी हैं, सुनील सिंह साजन यादव क्या नाम है उनका, प्रभारी है, जो समाजवादी पार्टी के बहुत ही बेहतरीन प्रवक्ता भी हैं। सिरु वरुण जायसवाल समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं। फूलपुर में संदीप यादव समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे, इनको प्रभारी बनाया गया है। और मोहम्मद शकील इस्लाम को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं 7 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी ने लिस्ट को जारी कर दिया है। कटहरी के लिए अभी नहीं बताया गया है क्योंकि 9 सीटों पर चुनाव होना है। मझुआ में हमको जो संभावनाएं दिख रही हैं, मझुआ में ज्यादातर संभावनाएं हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की।
आपकी जो राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।